कश्मीर घाटी के विश्व प्रसिद्ध डल झील में शिकारा मालिक तारिक अहमद द्वारा पहली बार फ्लोटिंग एम्बुलेंस का शुभारंभ किया गया। ये उन्होंने तब किया जब वो कोविड पॉजिटिव आए थे। तब उन्होंने एक अस्थायी एम्बुलेंस बनाने का फैसला किया जब लोगों द्वारा उन्हें अस्पताल ले जाने में अनदेखी की गई। बाद में वो कोरोना बीमारी से पूरी तरह स्वस्थ हो गए। वहीं तारिक ने प्रशासन से अनुरोध करते हुए अपील की कि सभी आवश्यक चिकित्सा उपकरणों के साथ अस्थायी एम्बुलेंस के लिए डॉक्टर और एक ड्राइवर दिया जाए ताकि पूरे डल झील में आपात स्थिति की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। मेरा नाम तारिक अहमद है, मैं डल लेक में रहता हूँ और ये इनिशिएटिव मैंने इसलिए लिया है कि जब मुझे कोरोना वायरस हुआ था आज से 2.5 महीने पहले, तब मुझे यहाँ पे सब ने सोशल बैकआउट किया है। मैक्सिमम स्पेशली जो शिकारा वाला है उन लोगों ने मुझे क्रॉस नहीं किया यहाँ पे डल लेक, वहाँ से घाट नंबर 9 से या घाट नंबर 12 से मुझे कोई क्रॉस नहीं मिला यहाँ। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि ये मेरे साथ हुआ और किसी और के साथ ना हो, तो मैंने ये इनिशिएटिव लिया है कि मैंने अभी ये तैयार किया। अभी तैयार इसमें तकरीबन अभी 5-6 दिन और लग जाएंगे तब जाके फंक्शनल होगा और इसमें हर एक चीज़ हर एक मेडिकल इक्विपमेंट्स रहेंगे जिसमें ECG हो या ऑक्सीजन सिलेंडर्स या जो भी छोटे बड़े चीज़ जो भी है इमरजेंसी आइटम्स वो हम इसमें रखेंगे। सर इसमें बहुत सारे खर्चा भी आएगा, स्ट्रक्चर तो आपने बनाया, तो सरकार से क्या? सरकार से मुझे एक ही अपील है कि मुझे डॉक्टर दिया जाए, डॉक्टर जो 24/7 इसमें लगेंगे और हम उनको पूरी मदद करेंगे हर एक चीज़ में और हर जगह पे हम पहुंचाएंगे। इसमें एक टोल फ्री नंबर रहेगा और नंबर के बाद जिसको जहां पे किसी घर में कोई प्रॉब्लम हो वो कॉल करेंगे, हम वहां पहुंचेंगे। अगर वो ज़्यादा एम्बुलेंस हो, ज़्यादा बीमार हो, तो हम उसको वहां से लेके क्रॉस करेंगे, दूसरी एम्बुलेंस को बुलाएंगे जो सड़क पर चलती है, तो वहां से उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे और जितना हो सके उसके यहीं पर उसको ट्रीट करेंगे। कितना ज़रूरी समझते हो कि एक डल लेक में एम्बुलेंसों का होना कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है। ये खाली ये जो यहाँ लोग रहते हैं खाली उनके लिए नहीं है, ये है टूरिस्टों के लिए भी। टूरिस्ट लोग भी बहुत बीमार होते हैं तो उसकी वजह उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या कुछ लगता है सरकार ने, क्योंकि बहुत सा अरसा हुआ, बहुत सेंचुरीज भी चेंज हुई, डिकेड्स हुए कि अभी तक डल में एम्बुलेंस नहीं है? देखो 1865 में जहलम रिवर में एक बोट हुआ करता था, उस टाइम तो वो ये एक पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, क्योंकि पहले तो वाटर यही था जो नाव में ही चलता था एक जगह से दूसरी जगह पे। तो डल लेक में आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये फर्स्ट एम्बुलेंस जो मैंने बनाई है अभी, ये अभी ट्रायल बेस पे है। इंशाल्लाह देखते हैं इंशाल्लाह इसका क्या रिस्पॉन्ड आएगा। मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत हेल्पफुल रहेगा लोगों के लिए। होनी चाहिए, खाली ये नहीं कि हमारे पास फायर सर्विस भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे हाउस बोट जल गए हैं तो उनके लिए भी होना चाहिए। ये खाली एम्बुलेंस नहीं, बहुत कुछ होना चाहिए। जो सड़क पे आप दे रहे हो वो हमें डल में भी दीजिए तो हमें भी राहत मिल जाएगी। मेरा नाम जावेद अहमद है, मैं यहाँ का एक लोकल रेजिडेंट हूँ और ये जो एम्बुलेंस का ये इन्होंने ये किया, ये बहुत ही अच्छा किया, बहुत अच्छा, क्योंकि हाँ जहाँ तक मुझे याद है कि बहुत सारे ऐसे सडन केसेस हो गए डल लेक के अंदर जिनकी सडन डेथ हो गई, फिर क्योंकि वो टाइम पे हॉस्पिटल पहुँचे नहीं। रात का टाइम होता है, सडनली कुछ हो जाता है, बीमार हो जाता है, उसके लिए एम्बुलेंस बहुत ज़रूरी है और स्पेशली जब से ये कोविड हो गया है तब से तो मोस्ट ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो हेल्थ है ना, हेल्थ की हर एक मुल्क चाहता है कि हेल्थ में मतलब फॉरवर्ड हो, हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो ये एम्बुलेंस तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा कदम है, इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि ये एम्बुलेंस बनाया है, तो ये हमारा बहुत काम आएगा। हमें मतलब बहुत खुश हो गए ये एम्बुलेंस देख के, क्योंकि रात को जब किसी को कोई बीमार हो जाता है सडनली, उसको यहाँ से हाउस बोट से या पीछे हाउस बोट पे पीछे जो रहते हैं उनको हॉस्पिटल ले जाने में बहुत तकलीफ़ होती है। तब तक तो वो बेचारा मर गया होता है, जब तक पेशेंट एम्बुलेंस जब आएगी तो सडनली उसको हॉस्पिटल पहुँचाएगी तो वो उसको मतलब जान बच